आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हमारे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं सीए कशिश गुप्ता जी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कशिश गुप्ता जी का वेलकम कीजिए। कशिश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। कशिश गुप्ता जी ने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए काफी वीडियोस दिए हैं और मैगजीन के लिए आर्टिकल भी दिया है। कशिश गुप्ता जी, उस वीडियोस पे काफी अच्छा लोगों का प्यार मिला है, तो आज हमने आपको फिर से इनवाइट किया है एक बर्निंग टॉपिक के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को नोटिस आ रहे हैं GSTR 1 को लेकर। क्या है इशू कि जो हम ITC क्लेम करते हैं अपनी 3B में, तो हमारे सप्लायर ने जो अपनी GSTR 1 भरी होती है, उसने कई बार हमारे बिलों को किसी दूसरे GST नंबर पे डाल दिया होता है, या B2B में ना डालकर B2C में डाल दिया होता है, या हमारे ही GST नंबर पे किसी दूसरे GST नंबर पे डाल दिया होता है। मतलब एक स्टेट में 2 GST नंबर हैं, तो मैंने क्लेम किया है किसी दूसरे पर और सामने वाले ने डाल दिया किसी दूसरे पर, या किसी दूसरे स्टेट के GST नंबर पे। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ITC तो मेरा वैलिड है, लेकिन मेरे सप्लायर ने चूंकि GSTR 1 में गलत डाल दिया, तो क्या मुझे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस तरह नोटिसेस जो हैं उन्हें कैसे डील किया जाए? क्या हमारा ITC वैलिड है? क्योंकि हमारी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, लेकिन सिर्फ सप्लायर ने गलती करी, तो हमें ITC मिलना चाहिए या नहीं? इस पर आप एक प्रकाश दीजिए, अपना एक्सपर्ट व्यू दीजिए प्लीज। थैंक यू कपिल जी मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए, एंड नमस्कार टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि वो आज मुझे फिर सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो कपिल जी ने क्वेरी रेज की है कि GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या तभी मिलेगा जब मेरे 2A में आ रहा है या नहीं मिलेगा, तो GST को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अगर आप वैट लॉ में देखेंगे जो 30 जून 2017 से पहले ऑपरेशनल था, मैंने मुंबई वैट में भी काम किया है, मैंने दिल्ली वैट में भी किया है, मैंने हरियाणा वैट में भी किया, तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था। ऑलमोस्ट हर वैट लो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता था कि जितना भी ITC आपने क्लेम किया है, क्या वो उनके किसी ना किसी फॉर्म में अपीयर हो रहा है? जैसे महाराष्ट्र में देखोगे तो इस फॉर्म का नाम J2J1 होता था, हरियाणा वैट में देखोगे तो वहां पे इंटरनल सिस्टम की रिपोर्ट आती थी जिसमें सारा रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज आ जाती थी कि आपका तो ITC इतना होना चाहिए। दिल्ली वैट में देखोगे तो भी यही लॉ था, महाराष्ट्र वैट में ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बोला है, दिल्ली वैट में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज नहीं को टच नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये ऐसे कहने वाली जरूरत नहीं, फर्स्ट टाइम आया है, ये वैट का ही कॉन्सेप्ट है। वैट में जब हम असेसमेंट्स करवाते थे ऐसे सिचुएशंस में मिसमैच के केसेस में, हम उनको लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस देते थे कि ये लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस है जो मिसमैच की है, फिर उसको कोरेस्पोंडिंग वेंडर से चेक कराते थे, तो पता लगता था कि किसी वेंडर ने तो अनरजिस्टर्ड सेल दिखाई है तो हमारा क्लेम अलाउ हो जाता था, किसी वेंडर ने इसको इंक्लूड कर दिया है अनदर वेंडर के वैट नंबर में तो हमारा ITC अलाउ हो जाता था, क्योंकि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम पेबल आ रहे हैं और उसने हमें सेल किया है और उसने टैक्स भी पे किया, तो असेसिंग अथॉरिटी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें सेटिस्फाई करना होता था। तो ऐसा ही केस अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने किया है, मैं उसका आपके साथ शेयर करना चाहूंगा राइटअप, ताकि ऑडियंस थोड़ा जुड़ा रहे हमारे साथ और कैसे उस राइटअप के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सेटिस्फाई हो गया कि ये बोनाफाइड केस है और इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो देखते हैं वो राइटअप क्या था। फैक्ट यही है कि ITC मेरा इनएक्टिव GST पे आ रहा था, GST में आई वॉज अंडर प्री GST रिजाइम, मैं एक सेंट्रलाइज सर्विस टैक्स असेसी था जिसके मोर देन वन स्टेट में ब्रांचेस थी, लेकिन रजिस्टर्ड एक हेड ऑफिस था चेन्नई में, ठीक है। तो लॉ ये था कि तमिलनाडु में जो GST नंबर आएगा वही एलोकेट होगा, अदर स्टेट्स में वो एलोकेट नहीं होगा, लेकिन शुरू में CBIC से मेल्स आ गए कि आपका GST नंबर ये है। तो जैसे ही मेल आई सबने कम्युनिकेट कर दिया कि मेरा GST नंबर ये है, अपना वेंडर मास्टर अपडेट कर लो, लेकिन वो GST नंबर एलोकेट नहीं हुआ तो मुझे नया GST नंबर अप्लाई करना पड़ा। अब इस दौरान क्या हुआ कि ड्यूरिंग द एंटायर ईयर जितनी भी मैंने परचेजेस की, मेरे वेंडर्स ने, कुछ वेंडर्स ने तो बिलिंग कर दी पुराने नंबर पे, कुछ वेंडर्स ने बिलिंग कर दी न्यू नंबर पे, तो
होना ही था कि मेरा आधा जीएसटी अपियर ही नहीं हुआ मेरे फॉर्म 2A में, तो ये था कि मेरा 1.83 सीआर का आईटीसी था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने के लिए प्रूव करना है कि सारा आईटीसी आपने एक ही जीएसटी नंबर में अवेल किया है, आपने सारा आईटीसी अपनी एक ही जीएसटी नंबर की बुक्स में बुक किया है। अब उसको प्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए आप जीएसटी आर 9 और 9C को बेस बनाएं। 9C में आप बोलें कि सारा आईटीसी तो मैंने 9C में अवेल किया है जो मेरा अनदर जीएसटी है, जो मेरा सेकंड जीएसटी है। और 9C में आप बोले कि 9C में अगर आप टेबल 12D देखोगे तो जितना भी आईटीसी है वो सारा का सारा आईटीसी टेबल 12D में आ रहा है कि ये इसी ही जीएसटीआईएन की बुक्स में बुक हुआ, जिससे बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया कि मेरा इनएक्टिव जीएसटीआईएन पे तो कुछ भी बुकिंग नहीं हुई है, ना कोई एक्टिविटी हुई है, वो एक मियर एरर था, मियर इनएक्टिव है, बस उसके अंदर 2A में आ रहा है, 2A में आ रहा है जी। तो हमने रिको बनाई 2A की, जिसमें से निकल के साफ साफ बाहर आ गया कि अमाउंट्स नॉट अपियरिंग इन फॉर्म 2A बट टैक्स इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट देयरऑफ आर अवेलेबल विद द कंपनी व्हिच वर अमाउंटिंग टू 70 लाख रुपीस राइट अप्रोक्सीमेटली। तो इसके लिए अब हमने क्या किया कि किया क्या कि 70 लाख के वेंडर वाइज जीएसटी वाइज पार्टीज की लिस्ट सबमिट की कि इससे मैंने इतना इतना आईटीसी वेल किया है। जीएसटी पोर्टल पे सर्च टैक्स पेयर के टैब पे उसका स्टेटस दिखता है कि ये सारे जीएसटीआईएन एक्टिव है और इन्होंने अपने लास्ट टैक्स पीरियड तक की रिटर्न्स फाइल्ड है, तो इसका मतलब यह है कि सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास पेड है, इनकी रिटर्न मेरे इनएक्टिव जीएसटीएन पे फाइल्ड है और ये सारा का सारा क्रेडिट सरकार को वैलिडली पहुंचा हुआ है, इट इज वैलिडली पेड पे हो रखा है। तो इससे हमने बोला कि विदाउट गोइंग इनटू द लॉ, अभी हम लॉ में नहीं जा रहे हैं, अभी हम इक्विटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि मैंने सारा आईटीसी अवेल अपने सेकंड जीएसटी में किया है, सारा आईटीसी बुक मैंने अपने सेकंड जीएसटी पे किया है, सारा का सारा आईटीसी जो है वेंडर्स हैं वो सारे के सारे एक्टिव हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल की हुई है, तो कुछ भी नहीं है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई बात ही नहीं है कि मेरा आईटीसी डिसअलाउ किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ तक अगर हम इतना डाटा सबमिट करते हैं इस मैनर में, मैंने ये सारे इनवॉइसेस भी सबमिट किए कि आप इनवॉइसेस भी देख लो, बिल्कुल, कि कोई देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट कि मेरा ये बोनाफाइड क्लेम नहीं, तो इसके बेसिस पे उन्होंने मुझे रिलीफ दिया। अब बातें आती है कि शायद लिसनर्स को लगे कि इतनी एक्टिविटी करने के बाद कुछ और करने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। अब इसके लिए हमने देखा ज्यूरिडिक्शनल हाईकोर्ट ने क्या कोई ऐसा केस डील किया है, तो हमें पता लगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वधेरा बिल्डर्स के केस में ये हेल्ड किया है एक सिमिलर पॉइंट में, जहां पे मैंने अपनी रिटर्न में रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन नंबर गलत डाल दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी इंटरिम ऑर्डर दिया कि आप अपनी मैनुअल रिटर्न को फाइल करो जिसमें आप अपने रेसिपिएंट की डिटेल को ठीक सबमिट कर दीजिए सो दैट रेसिपिएंट का क्रेडिट हैम्पर ना हो। तो ऑब्वियसली इस केस में यही हुआ होगा कि जो रेसिपिएंट है उन्होंने इस इंटरिम ऑर्डर का कॉपी और उनकी मैनुअल रिटर्न की एक्नोलेज्ड कॉपी अपने ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को दी होगी कि मेरा 2A में मिसमैच आ रहा है, ये हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, तो मेरा ये क्लेम जेन्युइन है और अलाउ करो। हमारा भी तो वही क्लेम है। इस केस में हमने असेसिंग ऑफिसर को बोला कि मैं रेसिपिएंट हूं, तो जो मैंने अपना ऊपर 2A दिया है उसको मेरा मैनुअल 2A सबमिट कर लो, दिस इज माय मैनुअल क्लेम एंड ये सारा का सारा मेरा अलाउ होना चाहिए, मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट। और ज्यूरिडिक्शनल हाईकोर्ट का भी ये व्यू है कि देना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सिमिलर ऐसा एक केस डिस्कस किया हुआ है, हमने इसलिए नहीं सबमिट किया क्योंकि वी वर डीलिंग विद द दिल्ली एंड हमें दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन मिल गया, तो वी रिलाइड ऑन दैट। नाउ कमिंग टू द लॉ, अब लॉ में लिखा है कि सेक्शन 37 में कि मुझे जीएसटी R1 फाइल करना है, ये हम बात कर रहे हैं 17-18 की। बड़ी प्यारी डिस्कशन है सर, आपको बहुत नए पॉइंट्स मिलेंगे इसमें जी। और सब लोग अपने हर रिप्लाई में इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि जीएसटी लॉ सब यही है, जीएसटी R1, 2 और 3 अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो। तो मुझे अपना जीएसटी R1 फाइल करना है 10 तारीख तक। जब मैं 10 तारीख को जीएसटी R1 फाइल कर दूंगा तो उसकी डिटेल्स कॉम्युनिकेट होंगी रेसिपिएंट को 2A में 10 तारीख के बाद। तो अब अगर हम देखें 17-18 में मेरा जीएसटी R1 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फाइल हुआ था 10th जनवरी 2018 को, तो 10 जनवरी 2018 तक तो मैंने अपने 6 महीने की रिटर्न फाइल कर दी थी जीएसटी लॉ में, जो बिना 2A के फाइल हुई थी। इसका मतलब कि मेरा कोई क्लेम इलीगल या विद द इंटेंशन टू वेट द पेमेंट ऑफ टैक्स कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो क्लेम मैंने 2A के बिना ही फाइल किया।
क्योंकि 2A जब तक आया ही नहीं था तब तक GSTR 1 की डेट थी ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा तो मैंने जो 3B में क्लेम करा था मैं कर सकता था बिना 2A के ही। यस जी। और ऊपर से फिर अगर आप सेक्शन 38 पढ़ते हैं जो ITC की बात करता है, वो कहता है कि यू कैन वेरीफाई वैलिडेट मॉडिफाई और डिलीट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये हमारे हक की बात भी करता है कि ही मे आल्सो इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ दोज इनवर्ड सप्लायर्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय हिम बट नॉट डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर इन वन। इसका मतलब कि जिसके टैक्स इनवॉइसेस हमारे पास है उसका डिटेल भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। राइट। फिर वो बोलते हैं कि जो आपने GSTR 2 में मॉडिफिकेशंस की हैं वो रेसिपिएंट को GSTR 1 में कम्युनिकेट होंगी, अगर वो उन सबको एक्सेप्ट कर लेता तो मेरा GSTR 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी पिक्चर में है ही नहीं, ये वाला सिस्टम चल ही नहीं रहा, लेकिन एज पर लो तो है, तो लो अगर हमारे को गवर्नमेंट ने दिया है, पार्लियामेंट ने दिया है, हम उसे फॉलो करेंगे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंटेशन कराने में, जीएसटी पोर्टल इम्प्लीमेंटेशन कराने में फेल होता है तो उसमें एक असेसी की कोई गलती नहीं है। और जब मेरा GSTR 1 और 2 फाइल हो जाएगा तो मेरा 3 ऑटो पॉपुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशंस मेड इन दोज रिटर्न्स, तो 3 मेरा सब ऑटो पॉपुलेटेड था। और बाद में ये 2 और 3 आया ही नहीं, गवर्नमेंट ने इसकी ड्यू डेट बोला कि 2 बी नोटिफाइड बाय दिस नोटिफिकेशन, जो कभी भी नोटिफाई नहीं हुई और खत्म भी नहीं करा, और खत्म भी नहीं करा, और इन द एंड इन्होंने 3 भी नोटिफाई किया विच दे सेड कि टिल द टाइम GSTR 2 और 3 आर एक्सटेंडेड तब तक हम एक 3B इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज ए मैनुअल रिटर्न। बिल्कुल। तो जब अगर हम इसका एक ब्यौरा देखते हैं ड्यू डेट्स का, तो 1718 में अगर आप देखेंगे तो 1 की डेट बाद में है, 3B की डेट पहले है। तो पूरे 1718 में मैंने जितनी भी 3B फाइल की वो बिना 2A के फाइल की, क्योंकि 2A तो 1 के बेसिस पे बनेगा और 1 बाद में फाइल हुआ 3B के। राइट। तो ये मैकेनिज्म सारा का सारा मैंने मैनुअली ऑपरेट किया, तो जो भी सेक्शन 37-38 में लिखा है वो सब लोगों का मैंने डीम्ड इफेक्ट दिया मैनुअली। बिल्कुल सही बात है। तो यही हमने बोल्ड करके लिखा कि सिंस द 2A वाज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग 1718 बट द टैक्स इनवॉइसेस वर अवेलेबल, नोटिस ही एग्जीक्यूटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38 ऑफ द DGST एक्ट दैट इज दिल्ली GST एक्ट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली फर्निश द डिटेल्स इन फॉर्म 3B फॉर द रिस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स। सही है। अब ये मैनुअल क्लेम्स का सहारा हमने फिर लिया एक सर्कुलर के बेसिस पे जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि 2A तो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, अभी आप 1 और 3 भी फाइल करो। उन्होंने बोला कि क्लैरिफाइड दैट आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग 3B और 1 द स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई शैल बी मेड अवेलेबल इन 2A। और बाद में ये सर्कुलर रिसाइन नहीं हुआ, मतलब ये सर्कुलर ओमिट नहीं हुआ, उन्होंने बोला ये सर्कुलर होल्ड पे है, होल्ड पे जब तक 2 नहीं आ जाता। तो एट ऑल टाइम्स मेरे को तो यही उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन ये सारे जो मैंने मैनुअली एडजस्टमेंट्स ली हैं अपने सिस्टम में, जो कि अभी तो मैंने 2A देखा ही नहीं था, और जब सितंबर 18 में 2A आया और उसको देख के मुझे पता लगा, तो इसको कंप्लाई विद करने के लिए वो अभी अभियान में है, गवर्नमेंट टाइम देगी। हमने अपने क्लेम्स कर लिए हैं, हमारा लॉ कंप्लाइड विद है, हमें तो यही इंप्रेशन दिया गया गवर्नमेंट ने, और आज के दिन में वो सब एक हमसे डिमांड्स इन्वोक कर रहे हैं, तो ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारा क्लेम इक्विटी के बेसिस पे देखो और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट देखो, हमने सारे इनवॉइसेस दे दिए हैं, सारे एक्टिव स्टेटस दे दिए हैं, सबने टैक्स पे किया हुआ है, सारे इनवॉइसेस फर्निश कर दिए हैं, सारी हमने सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी है, रूल्स भी सेटिस्फाई कराए, और 17, 18, 18, 19 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर तो ये भी नहीं होता था कि हमारे बिल 2A में आने चाहिए, ये तो बाद में रूल 36(4) में ये चीजें आई है, जिसकी जबकि हम रूल 36(4) हम पहले से ही मानते आए हैं कि ये इतना वैलिड नहीं है। तो इस सारे केसेस में हमारा मानना यह है कि ITC मिलना चाहिए, चाहे वो सामने वाले के GSTN पे चला गया, मेरे दूसरे GSTN पे चला गया, तो हम इसमें सेक्शन 37-38 जो कशिश गुप्ता जी ने इतना अच्छा रिप्लाई बनाया है, तो अब आपको ये बात समझनी है कि हम इतना अच्छा रिप्लाई तब बना पाए जब हमें लो की जानकारी थी। कशिश गुप्ता जी ने सेक्शन 38 भी यूज करा इसके अंदर, जो कि आज की डेट में एक्टिव है ही नहीं, और उसका सहारा लेते हुए इसका रिप्लाई बनाया, तो ये बहुत अच्छा रिप्लाई आपने बनाया।
तो यहां पर मेरी हम्बल सबमिशन है सब लोगों से कि भाई आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप इस तरह के रिप्लाई नहीं बना पाएंगे, इस तरह की अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा जीएसटी का कोर्स है, जो 150 घंटे का कोर्स है, उसमें हम ये सारी चीजें कराते हैं। तो अगर किसी ने अभी तक पेन ड्राइव नहीं ली है तो आप वो परचेज कर ले, और अगर किसी की एक्सपायर हो गई है तो वो उसे अपडेट करा ले। और मैं कशिश गुप्ता जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा केस बनाकर हमारे साथ डिस्कस करा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं अपने सब्सक्राइबर के बिहाफ पे कि इस तरह की अगर कोई केस स्टडी है तो आप हमारे आने वाले एडिशन में, जो हमारा मई एडिशन है, उसमें अगर आप दे दे तो हमारे सब्सक्राइबर को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारी मैगजीन ऑल ओवर इंडिया लगभग 2500 से 3000 सब्सक्राइबर पे जाती है। आपके पिछले आर्टिकल को भी बहुत प्यार मिला था, पिछले यूट्यूब की वीडियो को भी बहुत प्यार मिला था। तो अगर सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं इसके अलावा, अदरवाइज हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आपने बहुत अच्छा डिस्कस करा सर। थैंक यू सर। तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट केस स्टडी बना के अपलोड कर देंगे, और अगर आपको डिटेल में भी ये केस स्टडी रेफर करनी है तो इट्स ऑलरेडी ऑन माय वेबसाइट, दैट इज www.pakshlegal.in। उसमें ये ऑलरेडी केस स्टडी अपलोडेड है, वेरी क्रिस्प में एक पेज, वन पेजर। और डिस्क्रिप्शन में हम अपने लिंक्डइन पेज का लिंक तो दे ही रहे हैं, तो उसपे भी अगर आप हमारे आज के अगर लिसनर्स उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको लाइक करते हैं पेज को लिंक्डइन के, तो ये केस स्टडीज हम वहां पे भी अपलोड करते रहते हैं। और भी रिफंड्स की हजारों केस स्टडीज हैं, जैसे जैसे सॉल्व होती रहती है हम उसको बड़ी क्रिस्प वन पेजर केस स्टडी वहां अपलोड करते हैं, तो दे कैन रेफर देयर आल्सो। चलिए धन्यवाद, आपकी वेबसाइट के लिए भी मैं वो केस स्टडी आपको दे दूंगा। धन्यवाद कशिश गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कशिश गुप्ता जी एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे दूसरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। अपने आप को सेफ रखें, हेल्दी रहें। थैंक यू जी। थैंक यू सर।